डव एंड फ्लिप्स की सेलिब्रिटी इवोल्यूशन रिपोर्ट जारी की गई और इस रिपोर्ट में सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बने हैं विराट कोहली। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही, विराट कोहली लगातार तीसरे साल सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बने हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे हैं अक्षय कुमार और तीसरे नंबर पे हैं रणवीर सिंह। तो फर्स्ट नंबर पे हैं विराट कोहली, इनका नाम आपको याद रखना है। अच्छा, आज के वीडियो का टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रसार भारती के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है? तो अभी ए सूर्य प्रकाश ने प्रसार भारती के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, ये है ए सूर्य प्रकाश। ये 2014 से लगातार प्रसार भारती के अध्यक्ष थे, लेकिन अभी इन्होंने प्रसार भारती के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। अच्छा, प्रसार भारती, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? शशि शेखर। कौन है? शशि शेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने देश भर में कितने मेगा फूड पार्कों की स्थापना को मंजूरी दी है? तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे देश में 39 मेगा फूड पार्कों की स्थापना की मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, प्रेजेंट टाइम पे हमारी केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री हैं हरसिमरत कौर बादल, और इन्होंने ये घोषणा की है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश में 39 मेगा फूड पार्क स्थापित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गुमशुदा महिलाओं की संख्या किस राज्य में है? तो अभी एनसीआरबी यानी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, इसकी एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूरे देश में सबसे ज्यादा गुमशुदा महिला और बच्चा है महाराष्ट्र में। यानी कि इस क्वेश्चन का डे ऑप्शन सही है, यानी कि सबसे ज्यादा गुमशुदा महिलाओं की संख्या महाराष्ट्र में है और सबसे ज्यादा गुमशुदा बच्चों की संख्या ये भी महाराष्ट्र में है। तो गुमशुदा महिला और बच्चों के मामले में महाराष्ट्र टॉप पर है। और सेकेंड नंबर पे कौन है? सेकेंड नंबर पे है मध्य प्रदेश। अब बात महाराष्ट्र की है तो आप मैप पे देख लीजिए, ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। ये चीजें आपको याद हो गई होंगी और मुझे भी पता है कि ये चीजें आपको याद हो गई हैं, लेकिन हर बार आपको रिवाइज करना है। कई बार रिवाइज करने में इरिटेशन होता है कि क्या बार बार वही चीज बोलना, लेकिन रिवाइज करना है। जब तक लाइफ में स्टूडेंट शब्द लगा है तब तक आपको चीजों को रिवाइज करते रहना है, तो रिवाइज करने की हैबिट नहीं छोड़नी है। अच्छा, डेली करंट अफेयर्स अगर आप देखते हो तो वीकली रिविजन भी आप क्या करो, पूरे वीक का रिवीजन करने के लिए मैं अलग से एक ऑडियो बना देता हूं। उस ऑडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे ऑडियो रिवीजन करके एक लिंक आपको दिखेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप डेली करंट अफेयर्स का रिवीजन कर सकते हो और वीकली रिवीजन का भी मैं ऑडियो बनाता हूं, तो उस ऑडियो को भी आप सुना करो जिससे कि आपका वीकली रिवीजन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिनकर केशव रायकर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो दिनकर केशव रायकर ये एक प्रतिष्ठित पत्रकार थे और अभी इनका निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही। आप इमेज में देखिए, ये थे दिनकर केशव रायकर और ये महाराष्ट्र के एक प्रतिष्ठित पत्रकार थे और अभी इनका निधन हो गया है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनपीसीआई ने किसे यूपीआई सेवा की मंजूरी दी है? तो अभी एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसने अभी यूपीआई सेवा की मंजूरी दी है व्हाट्सएप को। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है,
व्हाट्सएप के पास 10 मिलियन यूजर हैं और व्हाट्सएप ने व्हाट्सएप पे करके एक यूपीआई सेवा शुरू की है, तो इसी की मंजूरी अभी एनपीसीआई ने व्हाट्सएप को दे दी है। अब बात व्हाट्सएप की है, तो व्हाट्सएप तो आप डेली यूज करते हो, लेकिन कभी आपने सोचा कि व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई थी? व्हाट्सएप की स्थापना हुई थी 2009 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? कैलिफोर्निया में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? क्रिस डेनियल्स। कौन है? क्रिस डेनियल्स। अच्छा, व्हाट्सएप को 2014 में फेसबुक ने एक्वायर कर लिया था, यानी कि व्हाट्सएप का अधिग्रहण 2014 में फेसबुक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने कितने देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता गठबंधन शुरू करने की घोषणा की है? तो अभी अमेरिका ने 27 देशों के साथ मिलकर एक अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता गठबंधन शुरू करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अमेरिका ने विश्व भर में धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए और धार्मिक स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए 27 देशों के साथ मिलकर एक अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता गठबंधन शुरू करने की घोषणा की है। और इस गठबंधन में जो प्रमुख कंट्री हैं वो हैं ऑस्ट्रिया, ब्राजील, यूके, इजराइल, यूक्रेन, नीदरलैंड और ग्रीस। ये प्रमुख कंट्री हैं इस गठबंधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के जिले ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के कार्यान्वयन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है? तो अभी असम का एक जिला है जिसका नाम है सालमारा मनकाचर। इस जिले ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए पुरस्कार जीता है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, कार्यान्वयन इसका मतलब क्या है? तो कार्यान्वयन को कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन। क्या कहते हैं? इम्प्लीमेंटेशन। अब असम के जिले ने जीता है, तो आप मैप में देखिए, ये है असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और असम के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अच्छा, जब भी बात असम की आती है तो मैं आपको काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में बताता हूं। काजीरंगा नेशनल पार्क ये कहां पे है? असम में है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज बनाने की घोषणा की है? तो अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने गंगा नदी पर एक ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज बनाने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही। ऋषिकेश में जो लक्ष्मण झूला था उसे 2019 में बंद कर दिया गया और अब इसी लक्ष्मण झूले के स्थान पर एक ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज बनाया जाएगा और इस ब्रिज का जो फ्लोर होगा वो ग्लास का बना होगा। अगर आप उस ब्रिज पर चलेंगे तो आपको लगेगा कि आप गंगा नदी के जल पर चल रहे हैं। तो ये ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज बनाने की घोषणा की है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। अब उत्तराखंड ने की है तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और उत्तराखंड की प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। अच्छा, उत्तराखंड की बात आए तो एक तो जिम कॉर्बेट माइंड में आना चाहिए और एक फूलों की घाटी माइंड में आ जानी चाहिए। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है ये भी बहुत पूछा जाता है और फूलों की घाटी कहाँ है ये भी बहुत पूछा जाता है, तो दोनों उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिस्टिक कलिंग अवार्ड किसे प्रदान किया जाएगा? तो अभी मनोज दास को मिस्टिक कलिंग अवार्ड प्रदान किया जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। उड़िया और इंग्लिश लैंग्वेज के लेखक हैं मनोज दास और इन्हीं को अभी मिस्टिक कलिंग अवार्ड प्रदान किया जाएगा। ये जो आप अच्छी फोटो लेना है। हाँ, थोड़ा राइट, नहीं मेरा राइट, बिजली का बिल आ गया। जब गूगल पे पर आएगा तो ना बिजली का बिल मिस होगा और ना ही कोई लंबा। हाँ, अब आ गया। डाउनलोड गूगल पे, मनी मेड सिंपल। आपको इमेज में दिख रहे हैं यही है मनोज दास और इन्हीं को मिस्टिक कलिंग अवार्ड प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने क्रेडिट स्विस के सीईओ के पद से इस्तीफा दिया है? तो अभी टेड जेन थियम ने क्रेडिट स्विस ग्रुप के सीईओ के पद से इस्तीफा दिया है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। ये है टेड जेन थियम, ये क्रेडिट स्विस ग्रुप के अभी तक सीईओ थे। अच्छा, क्रेडिट स्विस ग्रुप ये क्या है? ये स्विस बैंक का एक ग्रुप है जिसका नाम है क्रेडिट स्विस ग्रुप और इसकी स्थापना हुई थी 1956 में और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? स्विट्जरलैंड में। तो इसी के सीईओ थे टेड जेन थियम और अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा टेली सर्विसेज ने किस कंपनी में विलय की घोषणा की है?
तो जो टाटा टेली सर्विसेस है उसने अभी भारतीय एयरटेल में अपने ब्लैक की घोषणा कर दी है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। तो टाटा टेली सर्विसेस का अब भारतीय एयरटेल में विलय हो जाएगा और इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन से टाटा टेली सर्विसेस को परमिशन भी मिल गई है। अब भारतीय एयरटेल में विलय होगा। तो भारतीय एयरटेल की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? सुनील भारती मित्तल। कौन है? सुनील भारती मित्तल। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य में जल जीवन मिशन लॉन्च किया गया है? तो अभी जम्मू कश्मीर में जल जीवन मिशन लॉन्च किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का डे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा, मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने फिलिप बार्टन को भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट कर